दोस्तों नमस्कार। मैं निकल पड़ा हूं सफर पर और ये आखिरी सफर है इस चुनाव का, आखिरी दौर है, आखिरी चरण का मतदान है। और इस आखिरी चरण के मतदान में क्या कुछ होगा वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन विपक्ष की तैयारी, बड़ी तैयारी निकल करके सामने आई है। विपक्ष ने 4 जून से पहले ही नतीजों के इंतजार किए बिना ही अपनी 1 जून को बैठक बुला ली है। इस 1 जून की बैठक में क्या होने वाला है, इस 1 जून की बैठक को क्यों बुलाया गया है और कैसे ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन और उसमें भी खास तौर पर अगर कहें तो राहुल गांधी सब कुछ तय करते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं। चूंकि सफर लंबा है तो मुझे लगा कि चलिए तफसील से आज बैठे बैठे चलते चलते बात की जाए कि इस चुनाव में क्या दिख रहा है और कैसे इस चुनाव में इंडिया गठबंधन, जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि वो मोदी और जो मोदी जी की मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है या मीडिया की मशीनरी है, उस सबसे कैसे चुनाव लड़ पाएगा। लेकिन विपक्ष ने दिखा दिया कि ना केवल वो चुनाव लड़ रहा है बल्कि वो एडवांस में है और इसीलिए 4 जून से पहले 1 जून को बैठक बुला ली गई है। इस बैठक में कौन कौन पहुंच रहा है, इस बैठक के मायने क्या है, इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्यों ये बैठक बुलाई गई है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक चीज को जरा समझिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम लोग चले थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अब पूर्वांचल में अब हम आ गए हैं और उत्तर प्रदेश को खास तौर पर इस चुनाव में मैंने इसलिए ज्यादा कवर किया, बीच में थोड़ा सा हिस्सा मैंने आपको दिल्ली और हरियाणा दिखाया, लेकिन उत्तर प्रदेश को मैंने सबसे ज्यादा इसलिए कवर किया क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमीन हिल रही है तो यानी पूरे देश में बीजेपी के लिए एक तरह से समझिए कि डावाडोल स्थिति है। और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं हिल पाई तो फिर देश भर में भी बीजेपी संभाल लेगी। ये एक बहुत सिंपल सा जो है मुझे फॉर्मूला समझ में आता है और इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश में ही हूँ और उत्तर प्रदेश को लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक, पहले चरण से लेकर के और अब आखिरी के चरण तक मैं उत्तर प्रदेश पर मेरी निगाह रही, क्योंकि यही एक ऐसा मजबूत बीजेपी के लिए गढ़ का आज कह सकते हैं आप, जैसे भी जो शब्द आप किसको देना चाहे वो कह दे दीजिए, सबसे मजबूत जगह यही है। यहाँ पर कमजोर तो समझिए देश में कमजोर, यहाँ पर मजबूत तो समझिए देश भर में जो नुकसान हो गए उसकी भरपाई हो सकती है। लेकिन ये चुनाव आते आते अब लोगों को ये विश्वास तक होने लगा है कि हो सकता है कि बीजेपी 50 के आसपास रह जाए, 50 सीटों पर बीजेपी रह जाए। बहुत ज्यादा कुछ उत्साहित लोग या बहुत ज्यादा अंडरकरंट को जो है वो भांपने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये भी हो जाए कि 40 तक जो है वो बीजेपी सिमट करके रह जाए। खैर क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर बता रहा हूं, 4 जून से पहले 1 जून को जो आखिरी चरण का मतदान होगा उसमें, आखिरी चरण के मतदान में शाम को 6 बजे के बाद में जो एग्जिट पोल आपके सामने रखे जाएंगे, उन एग्जिट पोल को लेकर के आपको बिल्कुल चौंकना नहीं है, क्योंकि इन एग्जिट पोल में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, जो कि अंदर खाने से खबर आ रही है। अंदर खाने की खबर यह है कि एग्जिट पोल में, तमाम एग्जिट पोल में 300 से 350 के आसपास का आंकड़ा मिलेगा, मतलब सरकार बीजेपी की बन रही है। हर कोई इस बात को दिखाएगा, कोई 300 के आसपास दिखाएगा, कोई 350 तक लेकर के चला जाएगा। और ये किस लिए किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके अंदर, डीएम कलेक्टर इन सब में एक परसेप्शन खड़ा कर दिया जाए कि देखिए साहब सरकार हमारी बन रही है, आपको हमारे ही साथ काम करना है और इसलिए आप कायदे से रहिए तो फायदे में रहेंगे। अब इसके लिए ये राहुल गांधी जो लगातार एक चमचा चमची जो हर रैली में आजकल वो बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ करके रणनीति के साथ जो है ये चमचा शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया है, चमचा और चमची, वो इसलिए कि अब इंडिया गठबंधन को पता चल गया है, इंडिया गठबंधन को पता चल गया कि जितना मर्जी आप इस टीवी के लिए कर लीजिए, जब तक इस टीवी की सरकार में बैठ करके जड़ें नहीं काटी जाएंगी तब तक इस टीवी का इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए
इंडिया गठबंधन ना केवल नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ रहा है इस चुनाव के अंदर, बल्कि साथ के साथ इस मीडिया से भी चुनाव लड़ रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी ने चमचा बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अपनी अलग अलग रैलियों में, वो लगातार कह रहे हैं कि जो मोदी जी के इंटरव्यू होते हैं उसमें चार चमचे आते हैं, उनके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। ये दरअसल इसलिए कहा गया क्योंकि मीडिया यही काम करती है। चुनाव होता है, चुनाव में एग्जिट पोल दिखाया जाता है, एग्जिट पोल में बताया जाता है, और उससे पहले एग्जिट पोल से पहले भी, मतलब पहले बाद में आगे पीछे सब तरह से मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी बस यही चलता रहता है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन ने ये तोड़ निकाला है कि इस मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म करो, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, अपने लोगों को एक सीधा मैसेज दो कि इस मीडिया के चक्कर में ना रहे, ये मीडिया आपकी नहीं है, ये मीडिया खुलेआम चमचागिरी करती है, और इसलिए इस मीडिया के चक्कर में आप मत रहिए, सीधे तौर पर आप लोगों से जुड़िए, लोगों से बात करिए, लोग जो कह रहे हैं उस पर टिक करके रहिए। ये एक रणनीति है जिसके तहत, सोची समझी रणनीति के तहत जो है राहुल गांधी ने ये चमचा चमची शब्द का जो है वो इस्तेमाल किया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो बड़ी बात है या बड़ी खबर है कि 1 जून को बैठक क्यों बुलाई है, 1 जून को तो चुनाव भी होगा, तभी बैठक क्यों बुलाई गई है। इस बैठक में दो बड़े चेहरे हैं, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे, वो इस बैठक में नहीं पहुंच रहे, बाकी सब नेता इस बैठक में पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी के यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो उनके आखिरी चरण का मतदान भी है, और दूसरी बात यह है कि उनके क्षेत्र में साइक्लोन का जो है वो प्रभाव है, इसलिए उनको वो काम भी देखना है। तो दोनों चीज़ों को देखने के लिए ममता बनर्जी नहीं आ रही। वो कह रही कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ में, उनका बयान आ गया है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ में हूँ और अभी जो है मैं 1 जून की बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगी। हो सकता है कि उनकी तरफ से डेरेक ओब्रायन या और दूसरे नेता जो है वो शामिल हो, जैसे पहले होता रहा है। अब इंडिया गठबंधन जो है वो एडवांस में तैयारी कर रहा है। इंडिया गठबंधन एडवांस में तैयारी करके अपने जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, ये भी जो है खबर है पुख्ता तौर पर कि जिताऊ उम्मीदवारों को पहले से ही शिफ्ट कर दिया जाएगा, पहले से ही शिफ्ट करके उनको हो सकता है कि कर्नाटका भेज दिया जाए। कर्नाटका में डीके शिवकुमार के रिजोर्ट में रखने की भी तैयारी चल रही है, जैसे गुजरात के इलेक्शन के समय पर हुआ था जब अहमद पटेल की सीट को बचाया गया था, तो उस वक्त में डीके शिवकुमार कांग्रेस के संकट मोचक के रूप में उभर करके सामने आए थे। तो अब तैयारी विपक्ष की ये चल रही है कि हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, जिताऊ उम्मीदवार हैं, उन सबको और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को, उन सबको जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि अगर कहीं पर भी थिन मेजोरिटी होगी, मान लीजिए कि मेजोरिटी जो है वो किसी को नहीं आती है और 250 के आसपास जो है वो आंकड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में फिर हो सकता है कि खरीद फरोख चले तो फिर इसलिए पहले से ही अपने उम्मीदवारों को, अपने जिताऊ कैंडिडेटों को, उनको लगा दीजिए, उनकी फील्डिंग लगा दीजिए और उनको जो है वो अपना साइड में कर दीजिए। तो ये एक रणनीति है। दूसरी एक बड़ी बात जो है वो ये है कि किस तरीके से डील किया जाएगा, सहयोगी पार्टनर कौन कौन से और हैं जिनसे अब बात हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो 1 तारीख तक तो जो है वो दिक्कतें थी। अब तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि चाचा भी वापसी आएंगे 4 जून तक, चाचा को जो है वो पार्टी बचानी है, चाचा को पिछड़ों की राजनीति बचानी है, वो 4 जून के बाद वापसी आएंगे, ये तेजस्वी यादव कह चुके हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जल्दी जल्दी अब बदलता हुआ नजर आएगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं तो अब लोगों की दिलचस्पी इस बात में कम है कि आखिरी चरण के मतदान में क्या हो रहा है। लोगों की दिलचस्पी एक तो इस बात में है कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं, क्या गोदी मीडिया थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश करता है या पूरा एक तरफा उतरता है। पहली थोड़ी सी दिलचस्पी उस बात में है, एग्जिट पोल को लेकर के दिलचस्पी रहेगी नो डाउट। और दूसरी दिलचस्पी इस बात में है कि नंबर क्या आ रहे हैं, किसके पास में कितना नंबर आ रहा है, किसके पास में कितने आंकड़े आ रहे हैं। देखिए राहुल गांधी ने पूरा चुनाव और उसके बाद में विपक्ष ने भी उस चीज को ले लिया, पूरा चुनाव संविधान और आरक्षण के इर्द गिर्द बुना और उसके अंदर फिर 4 मोती लगाए, अपने 5 मोती लगाए, युवा न्याय, नारी न्याय, जो इनकी जो 5 गारंटियां थी, पहले संविधान और आरक्षण को बेस बना करके अपने वोटर को जो है वो इकट्ठा किया
और अपने वोटर को इकट्ठा करके पहले बताया कि तुमको इस बात से खतरा है, फिर जब वोटर ने कहा कि हमें आप क्या देंगे, तो फिर उसके बाद में 5 न्याय वो सामने रख दिए कि युवाओं को 1 लाख रुपए की पक्की नौकरी देंगे, हर महीने 8,500 रुपए देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए महालक्ष्मी के नाम पर देंगे, 8,500 रुपए हर महीने खटाखट देंगे। तो ये जो चीजें थी उनको लोगों ने लपक लिया, लोगों ने विश्वास कर लिया कि हाँ वो 2 करोड़ बोल रहे थे, 2 करोड़ तो नहीं 30 लाख बोल रहे हैं कि 30 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं पहली कलम से वो भरनी शुरू हो जाएंगी। कैलेंडर भी बाकायदा उसको लेकर के सामने रखा कि हम जून के अंदर उनकी नोटिफिकेशन निकाल देंगे और नवंबर दिसंबर तक वो नौकरियां पूरी हो जाएंगी, यानी 6 महीने के अंदर अंदर नौकरियां पूरी हो जाएंगी। अब राहुल गांधी जो है वो इस पूरे चुनाव को कुछ इस तरीके से बुन रहे हैं कि जैसे मर्जी चाह रहे हैं वो वैसे नरेंद्र मोदी से बुलवा देते हैं। राहुल गांधी जो है वो इस वक्त में इस चुनाव के एक तरह से कर्ता धरता है, ना केवल इंडिया गठबंधन के लिए बल्कि एनडीए के लिए भी राहुल ही इस वक्त में सब कुछ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं जो हाल के अंदर हुआ है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के अंदर जो है माहौल बनाने की कोशिश की कि उनको परमात्मा ने भेजा है, जब तक माता जी जिंदा थी तब तक मुझे लगता था कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, माँ ने मुझे जन्म दिया है, जब माता जी चली गई तो मैं कन्विंस हो गया हूँ, मान लिया है मैंने इस बात को, कन्विंस हो गया हूँ, ये उनके शब्द थे, मैं अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि मैं कन्विंस हो गया हूँ कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। एक ऐसा भावनात्मक जो है वो मुद्दा लोगों के सामने उछाल दिया। अब इंडिया गठबंधन को लगा कि ये तो बड़ी जो है वो मुश्किल खड़ी हो गई है और अब इसको कैसे जो है वो टैकल किया जाएगा। इसके बाद में राहुल गांधी ने जो है इसके काउंटर में बड़ा शानदार तरीके से जो है इसको धो दिया एक तरह से। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी जो है वो परमात्मा ने भेजे हैं ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन ये परमात्मा ने क्या सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए भेजे हैं? वो गरीबों के लिए काम क्यों नहीं करते? उनको परमात्मा ने भेजा है, वो बायोलॉजिकल नहीं है, सारे जो है धरती पर आदमी वो बायोलॉजिकल है, उनका जन्म जो है वो माँ बाप के मिलन से हुआ है, मोदी जी जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है, उनका जन्म जो है वो परमात्मा की वजह से सीधा डायरेक्ट परमात्मा ने उनको भेज दिया है। तो परमात्मा ने उनको किसके लिए भेजा है? अंबानी अडानी के लिए भेजा है। तो ये सारी चीजें मतलब काम ही नहीं कर पाई बीजेपी के लिए, बीजेपी को बहुत जबरदस्त तरीके से बैकफायर कर गई। और राहुल आजकल बहुत मंझे हुए नेता की तरह से जो है उस बात को कह रहे हैं। एक बार जरा सुनते छोटा सा ये हिस्सा कि राहुल ने कैसे जो है वो किस अंदाज में बड़े स्लो मोशन के अंदर, जैसे मोदी जी ने एक डायलॉग उधर से दिया तो राहुल गांधी ने भी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी के साथ में उसका रिप्लाई किया है। सुनते हैं। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, अंबानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, मगर परमात्मा ने उन्हें किसान को मदद करने के लिए नहीं भेजा, मजदूर को मदद करने के लिए नहीं भेजा, जाति जनगणना करवाने के लिए नहीं भेजा। अजीब सी बात है भाई और बहनों, अगर सचमुच में परमात्मा ने भेजा होता तो परमात्मा कहते कि हिंदुस्तान के सबसे कमजोर लोगों की मदद करो, किसानों की मदद करो, मजदूरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। नरेंद्र मोदी जी के परमात्मा ने उन्हें कहा, नरेंद्र मोदी जी अदानी की मदद करो, हिंदुस्तान के सारे के सारे एयरपोर्ट अदानी को दे दो, हिंदुस्तान के पावर प्लांट्स को अदानी को दे दो, रेलवे अदानी को दे दो, 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करो अदानी अंबानी का। ये कैसे परमात्मा है?
ये नरेंद्र मोदी जी वाले परमात्मा हैं। तो राहुल जिस तरीके से अब जवाब दे रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, इससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी बहुत परेशान है और अब कोई नई चीज चल नहीं पा रही है। राहुल गांधी को जो एक वक्त में छवि बनाई गई, वो आज नाम सत्ता पक्ष के नेता तक नहीं ले पाते हैं। राहुल गांधी को आप सोच करके देखिए, पप्पू पप्पू कह करके उनका किस तरह से मजाक बनाया गया, लेकिन आज राहुल पूरा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और ये विश्वास जो है वो आपको कहीं से नहीं मिल सकता है। ये विश्वास आपको तभी आता है जब आपके पास में इनपुट आ रहे हो। आपको इनपुट मिल रहा है कि अंदर खाने कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके पक्ष में है, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो आपको जो है वो जिता सकती है, तब फिर जो है वो आपको चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आती हैं और ऐसे में फिर जो है वो आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। और ये कॉन्फिडेंस न केवल राहुल गांधी के अंदर है, बल्कि आप देखेंगे तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनके डबल इंजन का धुआं निकलने लग गया है। उधर आप देखेंगे तो तेजस्वी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद चाचा इधर आएंगे, उनको अपनी पार्टी बचानी है, उनको पिछड़ों की राजनीति बचानी है, वो भी इधर ही आएंगे। तो ये जो एक तरह से माहौल खड़ा हुआ है इंडिया गठबंधन का, इसी का नतीजा है कि इस वक्त में बीजेपी माहौल जो है वो अपना बना नहीं पा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने और उसके कॉन्फिडेंस ने हवा निकाल दी एक तरह से। तेजस्वी को एक बार सुनते हैं। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। के साथ आएंगे क्या? अब आप जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए। चलिए, अरे 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति परिस्थिति अभी नजर आ रही है, ये एक तरह से जो है वो ये बता रही है कि इस चुनाव में कौन कहां पर खड़ा है। बीजेपी ने बहुत कोशिशें की इस चुनाव के अंदर अपने आप को जो है उलाने के लिए। कई सारी चीजें ऐसी हो रही हैं इस चुनाव में जो कहते हुए ठीक नहीं लगता है, लेकिन अब लोग समझने लग रहे हैं कि क्या कुछ जो किया जा रहा है। सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, कहीं पर जो है वो चुनाव आयुक्त की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, कहीं पर सेना अध्यक्ष की जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जा रहा है। मोदी जी रैली नहीं कर रहे हैं, अब वो आखिरी में निकल रहे हैं वहाँ पर कन्याकुमारी के अंदर, जहाँ से राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की थी, वो वहाँ निकल रहे हैं, वहाँ 30 तारीख को चले जाएंगे और आखिरी में जब उनकी वोटिंग होगी तब तक वहां पर जो है वो नरेंद्र मोदी बैठ करके ध्यान लगाने का काम करेंगे। हालांकि वहीं पर जो है वो राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो वहां पर जाकर के उन्होंने मत्था टेका था और वहां मत्था टेक करके उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी। स्मृति ईरानी ने बड़ा उस चीज को लेकर के बरगलाने की कोशिश की कि देखिए राहुल गांधी जो है वो विवेकानंद रोक पर गए ही नहीं है और वहां पर जाकर उन्होंने मत्था नहीं टेका, ये वो चर्च में चले गए, ईसाइयों के पास चले गए, ये बड़ी झूठे जो है वो चीज़ें की गई, लेकिन लोगों ने उन चीज़ों को नकार दिया। लोगों ने कहा कि ये फालतू की बकवास है और फिर वो विजुअल आ गए, वीडियो आ गई, सब कुछ जो है वो निकल करके सामने आ गया और अब नरेंद्र मोदी वहीं पर जा रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी का वहाँ पर जाना और इधर इंडिया गठबंधन का बैठक करना, ये एडवांस कैसे हो गया है, ये परिस्थिति पलट कैसे गई है? अभी तक होता ये था कि बीजेपी एक चुनाव करते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती थी, ये बताया जाता था लोगों को कि बीजेपी इतनी एडवांस है कि नरेंद्र मोदी 2014 के नतीजों के दिन 2019 की तैयारी कर रहे थे, 2019 के नतीजों के दिन 2024 की तैयारी कर रहे थे, ये बताया जाता है कि अगले 5 साल की तैयारी होती है और अब नरेंद्र मोदी 100 साल की बात करने लग गए हैं। लेकिन इस बार पूरी तरह से जो है वो परिस्थिति बदली हुई दिखाई दे रही है। अभी तक जो है वो कहीं पर भी इस बैठक को लेकर के, जो ये बैठक होने जा रही है 1 तारीख को, इस बैठक को लेकर के इसके काउंटर में इंडिया गठबंधन एनडीए की
बीजेपी की कोई बैठक नहीं दिख रही है। वरना याद करिए आप एक बार, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अभी से 2 महीने पहले जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक होती थी तो मोदी जी कुछ ना कुछ बड़ा प्रोग्राम करते थे, लोगों को दिखाते थे, बताते थे कि देखिए उधर उनकी बैठक चल रही थी, इधर हमारा ये चल रहा है। अब चीजें पलट रही है, अब चीजें पलट रही है और चीजें जो है वो नरेंद्र मोदी जी के ऐसा लगता है कि कंट्रोल से कहीं ना कहीं चीजें बाहर जा रही है। और नरेंद्र मोदी जो है वो चुनाव को अपनी तरफ मोड़ पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि वो उस हवा के साथ में बह रहे हैं जो हवा इंडिया गठबंधन खड़ा कर रहा है। इस चुनाव में आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन बोलता चला गया और नरेंद्र मोदी सफाई देते चले गए। बस इसी एक लाइन से आप समझ लीजिए कि चुनाव में क्या हुआ है। तो खैर, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और अब पूर्वांचल में आखिरी दौर का मतदान है यहाँ पर 1 तारीख को, और आज और कल 2 दिन प्रचार के बाकी हैं। कल राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की बड़ी रैली हुई वाराणसी के अंदर। वाराणसी में भी नरेंद्र मोदी इस बार सहज नहीं है, ये रिपोर्ट आ रही है। अब कैसे क्या कुछ है, वहाँ पर जाता हूँ और जाकर के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ तक पहुँच पाऊँगा वो तस्वीरें आप तक दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहरहाल अभी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।